नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका लूसीफर वैट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका प्यार हमें मिल रहा है कुछ ऐसा प्रतीत हमने पिछले दो वीडियोस में किया है। अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में हमें और भी हमारे साथी साथ मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हमेशा कहा है कि हम किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का साथ देने के लिए ही इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपको हर वो जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बछड़े की देखभाल कैसे करें। बछड़े की देखभाल का एक ऐसा मुद्दा आज भारतवर्ष में है, अगर भारत में बात की जाए तो बछड़ों की मृत्यु दर ज़्यादा है, क्योंकि ये एक महीने के अंतराल में ही बछड़ों की मौत हो जाती है। इसका क्या कारण है, ये सारी आज हम बातचीत करेंगे। हमारा मेन टॉपिक आज का यही रहेगा कि आप अपने बछड़े की देखभाल कैसे करें, बछड़ों का झुंड तैयार कैसे करें और एक अच्छी डेयरी सिस्टम को कैसे चलाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारे पास कोई गाय है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा करके मैं गांव की बात करूंगा, वो गाय के जो बछड़ा है, वो जन्म दिया है, उसको गाय से एकदम से अलग कर देते हैं, उसकी माँ से एकदम अलग कर दिया जाता है। देखिए, ये सबसे गलत बात होती है। हर कोई अपने बच्चे को अपने से दूर जाता देख के हमेशा दुखी होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। हमको जो करना है, गाय का जो बछड़ा है उसके सामने रखना है। जब गाय उसको चाटेगी, जो उसका सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो चलना शुरू होगा। दोस्तों, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप उसका जो बिछावन की स्थिति है, जो स्थान है, उसको थोड़ा सूखा करके रखें ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, उसकी माँ भी उसको सुरक्षित महसूस करे, आपको ऐसा करना है। उसके तुरंत बाद ही जो कोलोस्ट्रम होता है, जो गाय का पहला, माँ का दूध जो पहला होता है, हमेशा कहा जाता है कि पोषक तत्वों से भरा होता है, जैसे हम बात करते हैं इंसानों में, वैसे ही जानवरों में भी माँ का दूध सबसे पहले दिया जाना चाहिए। ये जो दूध है, लगातार 3 महीने तक बच्चे को दिया जाता है और समय अनुसार इसमें वृद्धि होती है। लेकिन जो कोलेस्ट्रम है, वो गाय की जो शुरुआती जब डिलीवरी होती है, उस समय इस दूध का महत्व ज़्यादा माना जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको गाय का जो दूध है, सबसे पहले किसको पिलाना है, उसके बछड़े को पिलाना है। अब देखिए, बछड़े को दूध पिला लिया। अब कई बार ये होता है कि कुछ बछड़े जो होते हैं, वो बेचारे खड़े नहीं होते एकदम से। कुछ बछड़े कहते हैं कि कुछ शरीफ लोग होते हैं, कुछ शरारती, तो वैसे ही कुछ शरारती बछड़े होंगे, वो खेलने कूदने लग जाते हैं। तो अगर कोई बछड़ा उठ नहीं पा रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात की भारतवर्ष की, और सीधे मैं डेयरी फार्म्स की बात भी करूंगा और गांव की बात भी करूंगा, तो बछड़ों को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है आजकल, क्योंकि सभी लोग जो है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जा रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान पे आधारित हो गए हैं। एक समय था कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नामो निशान गाँव में बिल्कुल भी नहीं था, तो नेचुरल इंसेमिनेशन ही पहले होती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को आज भी त्यागते हैं, तो उसमें से ये होगा कि जो नेचुरल इंसेमिनेशन है, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब आप एक अच्छा बछड़ा तैयार करेंगे, और अच्छा बछड़ा तैयार तभी होगा जब आप उसकी सही से देखभाल कर पाएंगे। गांव में क्या होता है कि 1 महीने का बछड़ा होगा, जी ये तो मर जाएगा 1 महीने में, तो गांव के लोग क्या करते हैं, 1 महीने बाद बछड़े को जैसे तैसे उसको ख़त्म करना ही है। मतलब उनका एक माइंड सेट होता है कि बछड़ा 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, तो अब मैं सीधे बात करूंगा कि आपको बछड़ा पालन कैसे करना है, बछड़े की देखभाल कैसे करनी है। सबसे पहले आपने उसको माँ का दूध पिलाना शुरू किया। जो अब माँ का दूध पिलाना शुरू किया है, तो अब दूध पी रहा है बच्चा, उसके पेट में भी समय अनुसार कीड़े पड़ जाएंगे। डीवॉर्मिंग का समय होगा, तो डीवॉर्मिंग भी आपको समय अनुसार करनी होगी। अपने नज़दीकी जो वेटनेरियंस हैं,
उनसे सलाह लेके उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि अब जो दूध, जैसे अब सप्ताह दर सप्ताह उसका दूध बढ़ेगा, तो आपने उसको उसी हिसाब से बढ़ाना है। और उसके बाद उसको थोड़ा दाना, जब 3 महीने के साथ साथ दाना भी शुरू करना है। कुछ लोग काप स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ये बेहतरीन विकल्प हैं वैसे एक बछड़े की देखभाल के लिए। तो अब बछड़े की देखभाल के भी 2 नियम हैं, जैसे एक होता है कि बछड़े को खुला छोड़ देना, सकलिंग मेथड, जिसमें बच्चा गाय से खुद दूध पिएगा। और एक होता है जी वैज्ञानिक विधि, जिसमें वैज्ञानिक विधि के तरीके से गाय के बछड़े को दूध पिलाया जाएगा, उसको नियमानुसार ही खान पान उसका रखा जाएगा। तो आप दोनों तरीकों में आजमाएं, लेकिन उसके जो खान पान का है वो ख्याल रखें। वैज्ञानिक विधि में यह है कि बछड़ों को तैयार करने का एक शेड्यूल है। अगर हम गांव में देखें तो गांव में वैज्ञानिक जो विधि है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लेकिन गांव की जो बात है वो गांव के लोग अगर समझें कि हमें बछड़े का पालन कैसे करना है, तो वो एक अच्छा बछड़ा, एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बछड़े का पूरा डिवॉर्मिंग का सिस्टम समझना होगा, उसका शेड्यूल समझना होगा, उसके बाद उसको पानी की व्यवस्था उसकी जाँचनी होगी। पानी ये नहीं है कि बछड़े को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, उसको उसके जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही पानी उपलब्ध होना चाहिए। उसको चारा उसी तरीके से आप उपलब्ध करवाएं। दोस्तों, अब बछड़ा बड़ा हो गया है तो अब आपको उसके खान पान का ज़्यादा खासा ध्यान रखना होगा। तो अब बछड़ा बड़ा है, दाने के साथ साथ अब उसका दूध भी बंद करना होता है, तो उसको एकदम से नहीं करना है। जैसे आपका आप स्टार्टर या दाना या चारा जो भी उसको साथ में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को कम करिए और उसका दूध बंद कीजिए। तो उसी के साथ अब आ जाती है बाद की, बछड़ा बड़ा हो गया है, अब उसके लिए स्थान आपको अलग करना पड़ेगा। वो जो उसका स्थान है वो एकदम से साफ सुथरा हो, उसके रहने के सिस्टम के अनुसार वो मेंटेन करना है आपने। तो अब बछड़ा बड़ा हो गया है, उसमें मैच्योरिटी आ गई है, अब आप बछड़े को फिर से एक बार अपने वेटरनेरियन की सलाह से चेक करवाइए, उसको उसकी परख लीजिए कि आपका बछड़ा अच्छी नस्ल के लिए तैयार हो गया है। अगर आपका बछड़ा अच्छी नस्ल के लिए तैयार हो गया है तो आप उसका नेचुरल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आप इस मेथड को ज़रूर अपनाइए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गांव के किसान भाई हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर निर्धारित हो गए हैं, कृत्रिम गर्भाधान। जी हाँ, वेटनरी उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारी गाय जो है हीट में है, टीका लगाइए। अरे भाई, उसको क्यों फ़ोन करना है, आप अपना बछड़ा तैयार कीजिए। जब गाय सही हीट में है, बछड़ा आपका उससे नेचुरल इंसेमिनेशन करेगा और आपको एक अच्छी नस्ल तैयार होगी, खर्चा कम होगा। देखिए, शुरुआती में बछड़ा पालन जो है उसमें कुछ खर्चा आ सकता है, लेकिन जब आप इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसी से हमारा जो है बछड़ा जो एकदम तैयार होगा और जो बछड़ों का मृत्यु दर है वो भी कम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा बछड़ों को बचाना भी एक सार था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए धन्यवाद। आपके जो भी सवाल होंगे हमारे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो में जो भी गलतियां हुई होंगी उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।